الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها वजायल अब नबर इ नफ़ीदमी तफ़र नाजर क्राम इस्लाम के साय में आप तमाम हजरा का इस्तबाल हैं आज की हमारी गुफ्तगु का मौजु है मेयार निकाह दीनदारी नाजरन इक्राम इंसानों के दरमिया सबसे पहला रिश्ता जो कायम हुआ वो मियाँ बीवी का रिश्ता है हज़रत आदमी सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने सबसे पहले उनके जोड़े का इंतज़ाम फरमाया अल्लाह ताला का इरशाद है वल कमिन जू जहाँ सूरत निसा आयत नंबर एक और इसी से उसकी बीवी पैदा की ये बड़ा मोहतरम रिश्ता है उसके बगैर इंसान की जिंदगी अधूरी है इसी में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का हकीकी सुकून व इत्मीनान रखा है जैसा कि अल्लाह तबारक व तैय ने फ़रमाया व अमिन मिन्हा जवजा हा इलैहा अली आराफ और इसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे सुकून हासिल करे नाज़रीन नाजरिनकराम सूरह रूम में अल्लाह तबारक व तला के इरशाद है अमीन आयात नफीदा आयातर और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी जिन से बीवियाँ पैदा की ताकि तुम उनसे आराम पाओ उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी यकीनन और वफ़िक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं नाजरिन इकराम मियाँ बीवी का रिश्ता जिंदगी भर का रिश्ता है बल्कि ये रिश्ता मरने के बाद भी कायम रहता है अगर मियाँ बीवी के दरमिया उल्फत व मोहब्बत कायम हो जाए दोनों बादशर हम ख्याल और एक दूसरे के लिए हमदर्द हो, तो घर जन्नत नशा बन जाता है और ज़िंदगी सकून व अतमिन का गहवरा बन जाती है और अगर उनके दरमियान इख्लाफा जन्म लें और एक दूसरे पर एतमाद ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी जिंदगी उजड़ जाती है और हर तरह की दुनियावी आयश व आराम के बावजूद घर जहन्नम नुमा बन जाता है ने कराम इसीलिए इस दिवाजी ज़िंदगी की खातिर सही जोड़े का इंतब बहुत ज़रूरी है रफ़ी के ज़िंदगी के इंतब के बहुत से मैारत हो सकते हैं मगर इस्लाम के नज़दीक काबिल तरजीह मैारबिल पसंदीदा मैार सिर्फ़ एक है और वो है दीनदारी कुरान मजीद और में बेशुमार मकामात पर इस चीज़ की तरफ तोजह दिलाई गई उसकी अहमियत का अंदाज़ा कुरान हदीस के उन नसुस से लगाया जा सकता है रसूल वसल्लम का इरशाद है तुन का हिलर आतू लिन आम तौर पर दुनिया में लोग किसी से रिश्ता करते हैं तो चार वजूहत की बिना पर करते हैं लिमालिहा वली जमालिहा हा वली हसब यहा वली दीन यहा फ़ात दीन तरीबत यदा सही बुखारी की रिवायत है औरत से शादी चार बुनियादों पर की जाती है उसके माल को देख कर उसके हसन व जमाल को देख कर हसबो नसब को देख कर और उसकी दीन की बुनियाद पर की जाती है तुम दीनदारी को तरजीह दो तुम्हारा भला हो इसी तरीके से सही मुस्लिम की एक रिवायत है नबी करीम सा ने फरमाया मता, दुनिया कल्लुह मता वखीर मता दुनिया अलमरत प्यार नबी साहब ने फरमाया दुनिया बरतने का सामान है इस कायन के और इस दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान अगर कोई है उन ने एक बीवी है हर आदमी ये चाहता है कि उसकी इस दिवाजी ज़िंदगी सुकून व इतमिन से गुजरे आप सल्लम ने उसका एक ज़रिया नेक बीवी बताया है आप का अरसाद है अरब अमिनती अलमरातल वनवास वलजर वमर कबुलनी फरमाया चार चीज़ें सदतमंदी अलामतें हैं एक नेक बीवी का मिल जाना कुशादा घर का मिल जाना अच्छा पड़ोसी मिल जाना और आरामदायक सवारी मिल जाना एक बहुत बड़ी नेमत है निकाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसफ ईमान करार दिया इस निस्फ़ ईमान की हिफाजत इसी वक्त मुमकिन है जबकि साले जोड़ा नसीब हो चुनाव चाहे का इरशाद है अल्लाह के नबी सा फरमाते हैं जिस शख्स को अल्लाह नेक ने बीवी आता की गोया निसफ दिन की हिफाजत में उसकी मदद फरमाई अच्छी बीवी मिली तो नफ़ दिन की हिफाज़त उसकी हो गई उसे चाहिए कि बकया नफ़ दिन की सलामती के लिए अल्लाह से डरे इसी तरीके से नेक जोड़े की बरकत से अल्लाह ताला तक्र फाका ख़त्म कर देता है सूरत नूर में अल्लाह ताला का अरशाद है अन के उयामिन कुम वह साल अमिन इबादी कुम व इमां कुम इकुन फ़करा युगन फजरी तुम में से जो मर्द औरत बे निका किए हों बे निका हों उनका निका कराया जाए और अपने नेक वक्त ग़ुला और लोंडियों का भी अगर वह गरीब भी होंगे तो अल्लाह ताली अपने फजल से अमीर बना देगा नेक जोड़े को ठुकराना शादी के मामले में दीनदारी को तरजीह ना देना है फितना और फसाद का बाइस है आप साम का इरशाद है इदाता व खुल कहू फूह तफ आलू तकन फितना तुन फिल वो फसाद अरे जब तुम्हारे पास किसी ऐसे रिश्ता किसी ऐसे शख्स का रिश्ता आ जाए जिसके दीन और अखलाक से तुम मतम हो तो शादी कर दो वरना ज़मीन में बड़े पैमाने पर फितना व फसाद फैल जाएगा नेक जोड़ा हकीकत में अल्लाह का इनाम है उसको पाने के लिए हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए पहले ईमान को यह दुआ सिखाई गई शुरे फ़ुरकान आयत नंबर सत्तर पर चार इस दुआ को पढ़ना ना भूलिए और बना हबलना मिन अजवा जिना वो दुर्री आती ना कुर इमामा अयमारे हमारे परवरदिगार तो हमारे तो हमें हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहसगारों का पेशवा और इमाम बना तो नाजिर इकराम इन तमाम नसूस से मुझे और आपको क्या बात मालूम हुई निकाह का मेार दीनदारी होना चाहिए निकाह का मेार दीनदारी होना चाहिए इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं लेना है कि सिर्फ़ दीनदार के साथ उसका कोई जो तीन चीज़ें ज़िक्र की गई है उसके अंदर ना हो ऐसी बात नहीं है कोई औरत दीनदार भी है आला ख़ानदान वाली भी है आपके लिए बहुत अच्छी बात है कोई औरत दीनदार भी है बड़ी हसीन व जमील है ये आपके लिए और अच्छी बात है अगर कोई औरत दीनदार भी है हसब व नसब वाली भी है मालदार भी है हसीन व जमील भी है ये तो आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है इमाम अहमद रहमतुल्लाह अली ने एक बात बताई कि जब भी रिश्ता करने के लिए जाओ पहले दीनदारी को मत पूछो अगर दीनदारी को तुम पूछेंगे तो उसके बाद अगर वो दीन में दीनदारी में अच्छी है लेकिन हसबोलन नसब वाली नहीं है वो अच्छी शक्ल वाली नहीं है वो मालदार नहीं है तो आप दीनदारी को मालूम कर लिए मतम हो गए लेकिन जब उसके मसले को ढूंढ रहे थे कि वो खूबसूरत नहीं है अगर उस रिश्ते को ठुकराएंगे तो आप दीनदारी को आपने ठुकराया दिन को ठुकराया आपने गलत किया आपने हाँ आपको दीनदारी को जो मेयार है उसको आखिर में रखिए। आप अगर पहले उसके हसन को देखना चाहते हैं अगर वो आपको पसंद आती है इसी तरीके से आप उसको देखना चाहते हैं कि आला अला खानदान की है कि नहीं ये भी ज़रूरी है रिश्ते में अला खानदान भी आपको पसंद आ गया उसका मालदारी भी आपको पसंद आ गई उसका हसन व जमाल उसकी मालदारी उसका हसब नसब आपको पसंद आया और आखिर में आप पूछिए उसकी दीनदारी को अगर ये तीन चीज़ें मौजूद हैं दीनदारी नहीं है तो ठुकरा है उस रिश्ते को क्योंकि आपने दीन को मेार बनाया और अगर आपने तीन चीज़ों को मालूम किया आप तीनों में मुतमईन नहीं है तो वहीं पर आप रिश्ता आप छोड़ दीजिए और रिश्ते की तलाश में आगे बढ़ जाइए तो इस तरीके से दीनदारी को आखिर में मालूम कीजिए अगर तीन चीज़ों से आप मतम हैं और आखिर में दीनदार भी हैं तो आप उससे निकाह कीजिए या तीनों में से कोई एक चीज़ आपको भली लगी आखिर में आप दीनदारी को पूछ लिए वो भी दीनदार भी निकल गई तो आप उससे मतम तो निकाह कीजिए इस तरीके से इस्लाम हमें तालीम देता है कि हम जिंदगी में जब निकाह करेंगे तो दीनदारी को मेयार बनाना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी अमन व सुकून के साथ गुजर सके नाजरिन इकराम बीवी का किरदार शोहर को राह रास पर लाने और बिगाड़ने में बीवी का अहम किरदार होता है अगर बीवी नेक हो तो आदमी की न सिर्फ जिंदगी संवर सकती है बल्कि उसका सारा घराना दीनदार हो सकता है और अगर बीवी नेक ना हो तो वो स, वो सिर्फ़ शोहर को बर्बाद कर सकती है बल्कि सारे अफराद खाना की दुनियावी वही तबाही का भी ज़रिया बन सकती है हमारे घर की इसलाह हमारे घर की औरत कोई वक्त कितना ही बड़ा कोई वक्त का कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो बस बसाओकात अपनी बीवी के सामने बेबस और मजबूर हो जाता है फिर ओन ने खुदाई का दावा किया और अपनी इस खुदाई को बचाने के लिए उसने यह हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल किया जाए उमे मूसा मूसा सलाम की माँ के घर जब मूसा सलाम पैदा हुई तो उन्होंने वही इलाही के इशारे इशारा पाकर उस दूध पीते बच्चे को संदोक में रख कर समंदर में बहा दिया खुदा का करना ऐसा हुआ कि यह बच्चा फिरौन के दरबारियों के हाथ लगा फिराउन और उसके दरबारी चाहते थे कि उसको कत्ल कर दे मगर फिराउन की बीवी ने इरादा किया ला तक्तुलू, ला तक्तुलू, कहा तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक हो सकता है उसे कत्ल न करो बहुत मुमकिन है कि हमें कोई फायदा पहुंचाए आखिरकार फिर उनकी सारी खुदाई हवा हो गई और बीवी के सामने उसे झुकना पड़ा नाम फ़तेह मक्के के मौके पर इस्लाम लाने वालों में उम हकीम भी थी उनके शोहर अक्रीमा बिन नबी जहल रही अभी वो इस्लाम नहीं लाए थे आप के इन सख्त तरीन दुश्मनों में से थे जिनका जुर्म नाकबिल माफी था फ़तेह मक्के के मौके पर आप सल्हु वसम ने जिन लोगों को कत्ल का हुम शादिर फरमाया उनमें से ये भी थे कतल का हुक्म सुनकर मक्के से भाग निकले उमीम आपकी खिदमत में हाजिर हुई आप की और अपने शोहर के लिए उन्हें उन्होंने अमन तलब किया तो आप साहब ने उन्हें अमान दे दी और शोहर को तलाश करते हुए उनके पास पहुंच गई और उनको खिताब करके कहा अय मेरे चाचा के बेटे अय मेरे शोहर मेरे पास अल्लाह के रसूल वसलम का आता करदा अमान है अगर आप मुसलमान हो जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमान को कबूल कर लें तो मैं आपकी जोजियत में रहूंगी बसूरत दिगर अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे मेरा और आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा यह सुनना था इकर्रीमा बिन नबी जाल जैसा सख्त दिल इंसान पिघल गया अपनी बीवी के आगे सर तस्लीम खम कर दिया और आप की खिदमत में हाजिर होकर मुशरब इस्लाम हो गई गौर कीजिए नाज़रीन नाजिराम इकरीमा बिन अबी जाल आपकी जबान से कितनी मरतबा दिन के हक दीन हक़ की बातें नहीं सुनी होगी बहुत बार सुना है मगर कबूल इस्लाम के हक के बजाय वो आपको और आपके साथियों को सफेस्ते से मिटाने की नापाक कोशिशें करते रहे लेकिन ये सख्त दिल इंसान अपनी बीवी के चंद बोल के आगे ढीर हो गया और उसके बाद उनकी बात मानने पर मजबूर हो गया हज़र तुमने सुना मद्ला वाक्य भी पढ़ी आप हजर निक्राम बीवी अगर नेक है हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी इकरीमा बिन नबी जहल इस्लाम कबूल किए सुबहानल्ला इस्लाम कबूल करने के बाद उनका मशगला गला सिर्फ़ अल्लाह की इबादत कुरान मजीद की तिलावत कुरान मजीद की तिलावत में ग़ौर फिक्र और अल्लाह से तोबा करके ज़िंदगी गुजारते थे हमेशा रोया करते थे ये इक्रीमा बिन नबी जल रज़ी अल्लाह तारण की ज़िंदगी है उम्म रज़ी अल्लाह उनके पहले शोहर मालिक बिन नज़र का इंतकाल हो गया तो अबू तलहा ने उनसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की अबू तलहा मुशरिक थे अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था इसलिए उमिर सुलेम ने कहा इन्नायम बगीली अन तजवज मुशरकन उन्होंने कहा कि एक मशरक़ से निकाह करना मेरे लिए जायज़ नहीं इस वजह से मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती मालिक के इंतकाल के बाद अबू तलहा ने निकाह का पैगाम उमिर सलेम रजील्ला अनहा को भेजा इद्दत के बाद तो हज़रत सुलेम रज़ी अल्लाह अनहा अबू तला जो अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे मुशरिक थे उनसे कहा कि एक मुशरिक से एक मुसलमान औरत का निकाह नहीं हो सकता है अबू तलहा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे तुम्हारे ये मबूद जिनकी तुम इबादत करते हो फला ख़ानदान के एक बढ़ई ने उन्हें अपने हाथों से तराशे हैं यानी ये तो हाथों से बनाई हुई मूर्ति हैं अगर तुम इन बुतों की इबादत तुम कर रहे हो इनकी इबादत तुम छोड़ दोगे इस्लाम कबूल करोगे हो सकता मैं तुमसे निकाह करूं ये सारी बातें सुनकर अबू तलहा वापस हो गए उमिरम की बात उनके दिल में उतर गई वो बार बार आते रहे शादी की पेशकश करते रहे और हर बार उम्मे सलम उन्हें वही बात जवाब देती रही नसाई की रिवायत है उमिरम ने कहा अबू तलहा, तलहा। अल्लाह की कसम आप जैसे अजीम इंसान का रिश्ता रद्द नहीं किया जा सकता काफिर किन्न का मुस्लिम कहा कि लेकिन तुम काफिर इंसान हो मैं मुसलमान औरत हूं वोलाजक कहा कि मैं मुसलमान हूं मेरे लिए हलाल नहीं कि किसी काफिर से शादी करूं हाँ अगर आप मुसलमान हो जाए फजा अली का मैं असअल का कहा कि तुम इस्लाम लाओगे तो तुम्हारा इस्लाम लाना ही मेरे लिए महर होगा मैं उसके अलावा कोई चीज़ का मतालबा तुमसे मैं नहीं करती और मैं सुम की ये बातें अबू तलहा के कबूल इस्लाम का जरिया बनी वो गवाह बनाए नबी करीम साहब साम को इस पर गवाह बनाया और उनसे शादी की अबू तलहा रजी इस्लाम की कितनी बड़ी ख़िदमत उन्होंने अंजाम दी है अल्लाह के नबी साहब वसम के लिए अपनी जान न किया है इस वाक़े की रोशनी में हम अपने माशरे का जायज़ा लें आज हमारे माशरे में कितने नौजवान ऐसे हैं जो महज किसी लड़की के हसन और खूबसूरती के फरेब में आकर दीन व ईमान को सरे से छोड़ देते हैं किसी औरत की हसन खूबी पर फिदा होकर दीन को नज़रअंदाज किया और उसे शादी की और उस ज़िंदगी में काफिर और मर्तद होकर कि कितने वाकियात हमारे माशरे में ऐसे में देखने को मिलते हैं इस आर्जी हसन के लिए वो अपनी दाइमी आखिरत को बर्बाद कर बैठते हैं जबकि कुरान मजीद में अहले ईमान को हुक्म दिया गया कि मोमिन मर्द मोमिन औरतें मोमिन मर्द मोमिन औरतों ही से निकाह करें खा वो लौंडी ही क्यों ना हो उसके मुकाबले में व मुशरिक से निकाह को हराम करार दिया गया खा वो उसका हसन व जमाल बेमिसाल ही क्यों ना हो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है वालतान मुशरिकात हत्ता युमिन

शर्क करने वाली औरत से बेहतर है गो तुम्हें मुशरिका ही अच्छी क्यों ना लगे और न शर्क करने वाले मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक कि वो ईमान लाएं ईमानदार गुलाम आज़ाद मुशरिक से बेहतर है गो मुशरिक तुम्हें अच्छा लगे यानी शर्क करने वाली औरत शर्क करने वाला मर्द इनसे निकाह नहीं किया जा सकता तोहद परस लौंडी बेहतर है तोहद पर कायम रहने वाला ग़ुलाम बेहतर है उस आज़ाद और हसीन व जमील मालदार और खानदान वाली मुशरक औरत से तो नाजिर कराम शरत हमें तालीम देती है कि हमारा मेार जो है दीदार होना चाहिए ज़िंदगी में बाज मामला ऐसे पेश आते हैं कि अच्छे अच्छे मर्दों के कदम लड़खड़ा जाते हैं कुछ सुझाई नहीं देता ऐसे में नेक बीवी के चंद बोल उसका सही मशोरा उसकी सही रहनुमाई इंसान के डगमगाते कदमों को सबात करती है उसको हलाकत से बचा लेती है और संगीन से संगीन हालात में उसके लिए सही सतमत मुतिन करती है पहली वही के मौके पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना परेशान थे आके सारा वाक़ हज़रतदीजतर रजी अल्लाह तुम सुनाया और कहा कि मुझे अपनी जान का कदरा महसूस होता है कदीजा उस मौके पर खदीजा रजी अल्लाह ने ऐसे अल्फाज में तसली दी नबी करीम सल्लम को कि फिर ज़िंदगी भर आप ने कभी जान का ख़तरा महसूस नहीं कहा कि अल्लाह आपको ज़ाये करेगा या नहीं क्योंकि बाखलाक इंसान इस कायनत में कौन है नाजरन इक्राम छह हिजरी में सल्लम ने खब देखा कि अपने अहब मस्जिद हराम दाखिल होकर बैतुल्ला का तवाफ और उमरा कर रहे हैं आपने सहाबा कराम को इस ख्वाब की इतला दी और ये भी बताया कि आपरा अदा फरमाएंगे क्योंकि आपका ख़ब वही की एक शक्ल थी लिहाजा साहबा कराम भी सफ़र के लिए तैयार हो गए चौदह सौ साहबा के साथ आप साथ मक्का की तरफ रवाना हुई मक्के वालों को इस बात की इतला हुई तो उन्होंने आपस में तय किया कि कुछ भी हो मुसलमान को बैतुल्ला से दूर रखा जाए हदयबिया नामी जगह पर पहुँच कर आप साहब ने पड़ाव किया दोनों के दरमियान कई दिनों तक बातचीत होती रही कई दिनों की कोशिश के बाद आखिर इस बात पर सुलह हुई कि मुसलमान इस साल उम्र किए बगैर लौट जाएंगे ऐसा फैसला था जिससे साहबा इकराम मतम नहीं थे रसोलम ने माह लिखने के बाद फरमाया उठो और अपने अपने जानवर कुर्बान कर दो आप आसलम के हकम की तामिल में कोई भी नहीं उठा हती की ये बात तीन मरतबे दोहराई गई आप परेशानी के आलम में उमिनीन उम्मा रजील् के पास गए और लोगों के इस पेश आमदा तर्ज अमल का जिक्र किया कि लोग मेरी बात नहीं मान रहे उमिन ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो तशरीफ़ ले आइए और किसी से कुछ कहे बगैर अपना जानवर ब कीजिए और अपना सर मंडवा लीजिए आपने ऐसा ही किया जब लोगों ने देखा तो खुद भी अपने अपने जानवरों को ज़बह कर दिए और उसके बाद बाहम एक दूसरे के सर मंडवाने लगे इस वाक़े की तसील और में मौजूद है कहना यह है मेरे भाई कितना संगीन मसला था किसने हल किया इस मसले को उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह सदील ने मसले को हल किया पैरानबी सा ने मशवरा किया तो मशवरे की बरकत से ये काम आसानी से हल हुआ यही वजह है कि असलाफ इकराम रहमतुल्लाह इकर मजमाइन निकाह के लिए नेक और दीनदार औरत को तरजीह देते थे हज़रत अली जिनकी ज़िंदगी बचपन से लेकर जवानी तक आप के घर में बसर हुई वह आप के घर को करीब से देख चुके थे तीन तीन दिन तक घर में चूल्हा नहीं सुलगता था अक्सर फाकों की नौबत आती थी उसके बावजूद आप सल्लम ने जब शादी करनी चाहिए तो नज़र इनतख इसी गरीब घराने की लड़की फ़ातिमा रजी अल्लाह पर पढ़ी क्योंकि आप, आप रज़ी को अच्छी तरह इल था कि फ़ातिमा दुनिया की सबसे नेक खातून है इसी दीदारी की इसी दीनदारी की बुनियाद पर अली रजी अल्लाह उन्होंने फातिमा रजी अल्लाह तहा से निकाह को पसंद किया हजरत अबू बकर रजी अल्लाम एक मालदार साहबी थे कितने बड़े मालदार साहबी थे अहले सरवत में आपका शुमार होता है अगर आप रजी अल्लाह चाहते तो अपनी बेटी का निका किसी मुतवल घराने के फ़र्ज से करा सकते थे बड़े मालदार घराना में अपनी तो बेटी असम रजी अल्लाह ताल का निका करा सकते थे मगर अपनी बेटी दूसरी बेटी असमा बिन बकर का बकरा एक गरीब साहबी जुबैर बिन दीनदार थे जुबैर मुबशर में से थे यानी उन साहबा में से थे जिन्हें नबी करीम ने इसी दुनिया में एक ही वक्त में जन्नती होने की मशारत दी थी दीनदारी के अलावा दूसरे सारे मैारा असलाफ इक्राम रजमाइन के नज़दीक सानवी है रखते थे अगर दीदारी ना हो तो वो बड़े से बड़े रिश्ते को भी ठुकराया करते थे खलीफा वक्त अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने बेटे सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के लिए सयदीन सईद बिन मुब की बेटी का रिश्ता मांगा सईद बिन मुसिब रहमत आली अपने चाहते थे कि अपनी बेटी का रिश्ता शहजादे से चाहते तो करा सकते थे और उनकी बेटी दुनियावी लिबास से आयश व आराम की जिंदगी बसर कर सकती थी मगर आप रतल्ला जानते थे कि इस सूरत में अपनी बेटी की दुनिया तो समर जाएगी मगर आखिरत खतरे में होगी इसलिए आप रहमतल्लि ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया उसके बरक्स आपके एक गरीब शागिरद थे जो कई दिनों के गैर हाजिरी के बाद दर्स में शामिल हुए दर्स के ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपने करीब बुलाया और गैर हाजिरी का सबब दरियाफ़्त किया तो कहने लगे मेरी बीवी तवील मेरी बीवी तवील बीमारी के बाद इंतकाल कर गई इस पर परेशानी में शरीक के दर्स नहीं हो सका आप रहमत लाही ने ताज़ियतीमात अदा करने के बाद पूछा कि क्या दूसरी शादी नहीं करोगे उन्होंने जवाब दिया कि मुझ गरीब को कौन लड़की देगा अल्लाह अकबर आप रहमतल्ला ने कहा कि मेरी अपनी बेटी से तुम्हारा निकाह करता हूँ इसी वक्त अपनी बेटी का निकाह इस गरीब तलब इल्म से करा दिया और उसी दिन खुद अपनी बेटी को उसके घर पहुंचा दिया ये था हमारे असलाफ एकराम और रहमत मजमैन की ज़िंदगी जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियों में ख़ैर बरकत हमें नज़र आता है नेक और साल बीवी खैर व बरकत का ज़रिया होती है और उससे कुछ कोता ही या लफ्ज़ भी हो जाए तो सब्र बर्दाश्र और बर्दाश से वो काम लेती है आप सला की बीवियों में से एक हरत अफसर भी थी, थी किसी वजह से आपसे नाराज़ हो गए और तलाक़ भी दे दी उनको हज़रत ज़िर सलातु वाम के पास आए और कहने लगे हफ्सा से रुजू कर लो क्योंकि वह नफिल रोज़ों की बड़ी पाबंद और तहजद खूब का तहजद का खूब अहतमाम करने वाली खातून है और जन्नत में भी वो आपकी बीवी होंगी इस तरीके से नबी करीमलम ने रुजू कर लिया बीवी अगर नेक ना हो तो ज़िंदगी से खैर बरकत ख़त्म हो जाती है चैन सुकून गारत हो जाता है जिंदगी वसायब मुश्किल का शिकार हो जाती है इसीलिए इब्राहीम सलातम ने अपने बेटे हजरत इसमाईल आ सलातम को अपनी नाफरमान बीवी को तलाक देने का हुक्म दिया और शक्र गुजार बीवी के साथ भले तरीके से जिंदगी गुजारने की नसीहत फरमाई ये रिवायत सही बखारी में मौजूद है गर्ज नजर निकराम में यह पैगाम देना चाहता हूँ इस दिवाजी जिंदगी के लिए नेक जोड़े का इंतख बेहद ज़रूरी है उस वक्त मुस्लिम माशरा इस मामले में बड़ी सख्त गफलत का शिकार है यहाँ दौलत हसन का जादू सर चढ़ के बोल रहा है दीनदारी की हैसियत महज सानवी चीज़ होकर रह गई है इस बेअदारी की वजह से मुसलमानों का खानदानी निज़ाम जिस पर रखा गया दीनदारी को मेयर निका बनाने की तालीम दी गई ये हमारे माशरे में नजर नहीं आता तो नाजरिन कराम इस बेअदारी की वजह से मुस्लिम खानदानी निज़ाम जिस परागंदगी और परेशान हाली का शिकार है उससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं इसलिए ज़रूरी है इस बात की कि हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दीनदार जोड़ों का इंतखा करें औलाद की तरबियत लोग समझते हैं कि पैदा होने के बाद बड़े होने के बाद करेंगे ग़लत बात है औलाद की तरबियत का सबसे बड़ा अहम जरिया मैार निकाह अच्छी औरत से करना चाहिए अच्छी औरत औरत से निकाह करना चाहिए जब अच्छी औरत आपकी ज़िंदगी में रहेगी तो आपके आने वाली और औलाद की भी वो सही तरबियत कर सकती है बेनमाज़ी फ़िल्म बीनी की आदि फाहिशा औरत बेपर्दा औरत जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल का नाम नहीं होता उसका दिन रात म्यूज़िक सुनने में गाना बजाने में और ना महरम औरतों ना, ना महरम लोगों से बात करने अजनबी मर्दों से अपने ताल्लुक को कायम रखने वाली औरत इससे नेक औलाद की तमन्ना नहीं की जा सकती इससे आने वाली औलाद चोर निकलेंगे इससे आने वाली औलाद जानी फाहिश और बदकार होंगी आप देखिए असलाफ इकर रहमत मज़मैन की जिंदगीों को पढ़ के देखिए ये इमाम बखार रमत आ इनकी माँ की ज़िंदगी को पढ़ो कितनी तहजुद गुजार औरत इमाम मुस्लिम रम्ही की माँ की ज़िंदगी को पढ़ो ये साहबा करम रिजवा मजमाई इनकी ज़िंदगी को पढ़ो साहबियात की ज़िंदियों को पढ़ो तभी तो उनके औलाद के आने से पहले वो अल्लाह से दुआएँ किया करते थे जब वह औलाद आई तो उनकी सही तरीके से तरबियत किया करती थी ये हजरत इसमाइल आल सलासम है माँ कितनी नेक थी तो औलाद भी बचपन ही से नेक बन गई तो इस लिहाज से मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में दीनदार खातून को लाने की कोशिश करें अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह कहने वाले और सुनने वालों को परवर दीगाराम तमाम को इस्लामी तलीमत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की नसीब फरमा अल्लाहुम्मा फर्मा व आखिर नानी अलहदिल्लाबिलामिन